नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटेक स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। आज की क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं एक फॉर्मेट क्रिएशन, जी हाँ, ऑटोमेटिक रिपोर्ट फॉर्मेट क्रिएशन के ऊपर। और आप एडवांस एक्सेल की पूरी सिक्वेंसली वीडियो चाहते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज, पावर बीआई, टैबलू, वीवीए, MIS डैशबोर्ड, तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका ऐप लिंक मिलेगा, तो प्लीज जाइए डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। तो चलिए विजय मिश्रा जी, बाकी लोग, शुरू करते हैं सेशन को। आज की सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मेट क्रिएशन। लास्ट टाइम हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपके साथ डिस्कस किया था, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मदद से हम एक लाइव रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। लाइव नॉट अ लाइव रिपोर्ट, लाइव रिपोर्ट का फॉर्मेट, क्योंकि फॉर्मेट जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। जब तक आप अपने रिपोर्ट की फॉर्मेट क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक उस पर रिपोर्ट कैसे बनाएं? सो फर्स्ट नीड द क्रिएट द रिपोर्ट। तो हमें अपनी रिपोर्ट्स को पहले क्रिएट करना है। चलिए हम रिपोर्ट्स को क्रिएट करते, रिपोर्ट फॉर्मेट बनाते हैं। हमारी ये पहली रिपोर्ट फॉर्मेट है, तो हम शुरुआत किससे करें? हम ऑफिस में पहले जाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपना अटेंडेंस लगाते हैं। तो चलिए हम अटेंडेंस की फॉर्मेट बनाने से ही अपने आप को शुरुआत करते हैं। और मैं ऐसा फॉर्मेट बनाना चाहता हूं जो हर महीने के लिए सेम हो, हर महीने मुझे बनाने ना पड़े, मंथ ईयर जो भी चेंज हो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपने आप को चेंज कर ले। तो सेम थिंग यहाँ हम करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मंथ लगाना चाहता हूँ, मंथ, और मंथ यहाँ पे ड्रॉप डाउन देना चाहता हूँ ताकि मैं सिलेक्ट कर सकूँ। तो उसके लिए हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। डेटा वैलिडेशन में यहाँ पे देखिए डेटा मेनू बार के अंदर डेटा वैलिडेशन होता है, इस पे क्लिक कीजिए, इसमें आइए लिस्ट, और इस लिस्ट में आप जैन फैब टाइप कर दीजिए। अगर कहीं से टाइप है तो सिलेक्ट भी कर लीजिए, मेरा कहीं से टाइप नहीं है तो मैं यहां मैनुअल टाइप कर रहा हूं, जैन फैब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। ओके, अब यहां से मैं ड्रॉप डाउन कर सकता हूं। अब यहां पे सबसे पहले आता है एम्प्लॉई कोड, तो यहां पे एम्प्लॉई कोड हो जाएगा, ईएमपी कोड या एम्प्लॉई कोड, जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। Then name, then department, then यहां पर लेंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अच्छा, बताएंगे कि अटेंडेंस के अंदर में डेट ऑफ ज्वाइनिंग होता क्यों है? जो माने कोई एम्प्लॉय 10 साल पहले ज्वाइन किया हुआ है, उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग लेके क्या हो? डेट ऑफ ज्वाइनिंग होने का पर्पस ये होता है, क्योंकि हर कंपनी के अंदर में अलग अलग क्या होते हैं, लीव के रूल्स होते हैं। कुछ कंपनी के अंदर रूल्स ये होता है कि हमारे जो लीव है वो लीव आपको आफ्टर 3 मंथ या 4 मंथ मिलता है। इसलिए अब यहां पे मुझे डेट चाहिए, मतलब जो यहां मंथ सेलेक्ट करूं उसी मंथ का यहां पे फर्स्ट डेट चाहिए। तो उसके लिए हम कॉनकेटनेट इस्तेमाल करेंगे, इन द इनवर्टेड कॉमा 1-n%, हमने यहां पे जैन लिया, देन n%- और ईयर 2024 कर दिया। बट 2024 अगर मैनुअल में कर दूं तो दिक्कत हो जाएगा ना, क्या तो अगले साल मुझे मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा फॉर्मेट बनाना चाहता हूं कि
कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े, तो ऑटोमेटिक करेंट ईयर जो है ऑटोमेटिक ले ले, ठीक है। तो हालांकि यहां पे डालना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि फिर वो बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, बार बार चेंज होता रहेगा। तो यहां आप एक काम कर सकते हैं कि यहां ऑप्शन दे सकते हैं कि आप ईयर को टाइप करें, तो 2024। तो यहां हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं और कॉनकैटेनेट के जरिए 2024 को लेते हैं। अब कॉनकैटेनेट क्या है, टेक्स्ट फॉर्मूला है, दो टेक्स्ट को आपस में ज्वाइन करने का फॉर्मूला है। अब टेक्स्ट ज्वाइन होने से रिजल्ट भी तो टेक्स्ट ही आएगा ना, ये किसी तरह का सेल एड्रेस तो है नहीं, है तो टेक्स्ट ही है। ऐसे केसेस में इसके इसको हम ब्रैकेट, पूरी कैलकुलेशन को ब्रैकेट में रखते हैं और इस पे हम कर देते हैं प्लस जीरो। ऐसा करते ही डेट बन गया, नंबर आ गया, तो इसके ऊपर आप अपना डेट का फॉर्मेट, अब इतने होशियार तो आप लोग हैं कि डेट का फॉर्मेट अप्लाई करें इस तरह से। अब मुझे बाकी के डेट चाहिए, तो इसमें हम अगली कॉलम में जाएंगे, इसी के ऊपर प्लस वन कर देंगे और लास्ट तक ड्रैग करें। अब हैश हैश आ रहा है तो पूरे सीट को सिलेक्ट कीजिए, किसी एक सेल के बॉर्डर पे डबल क्लिक कर दें, यहाँ आ जाए। ये 8-3 तक चला गया, ये काफी ज्यादा चला गया, जनवरी तक हमें चाहिए ना, हम ज्यादा ड्रैग कर दिया। 27, 30, 31। अब यहाँ एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया कि यहाँ मेरा महीना जनवरी 31 है, लेकिन मैं फरवरी सिलेक्ट करूंगा, मान लीजिए कि जैन की जगह पे मैंने फेब सिलेक्ट कर ली, तो आप देखेंगे लास्ट में कि अगले मंथ का डेट आ गया। मुझे यहां अगले मंथ का डेट नहीं चाहिए, तो 28 तक तो डेट होता ही है, 28 के बाद यहां हम सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए एक फॉर्मूला होता है डे, यहां पे ईओ मंथ का। ईओ मंथ फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी डेट को सिलेक्ट करके बताता है कि उस महीने की लास्ट डेट क्या है। हमने क्या लगाया फॉर्मूला, ईओ मंथ, तो चाहे जो भी मंथ होगा उसकी लास्ट डेट निकाल के दे देगा। अब मैं सिंपल से करना है कि ये जो आ रहा है प्लस वन करके, जो प्लस वन हम कर रहे हैं, अगर वो इससे बड़ा है तो ब्लैंक शो कर दे, नहीं तो जो शो कर रहा है वो शो कर। तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत है हमें, तो ध्यान से देखिए कौन सा फॉर्मूला दे रहा हूं। तो 29वें नंबर पे गया और कंडीशन दिया कि इफ इफ में हमने ईओ मंथ का फॉर्मूला लगा दिया, ईओ मंथ नहीं ऐसे नहीं, यहां पे कि ए प्लस वन करने पे अगर ओ ग्रेटर देन ईओ मंथ होता है, मतलब कि लास्ट डेट से बड़ा होता है, तो क्या करे, तो यहां पे ब्लैंक कर दे, अदरवाइज जो सीक्वेंस ले जा रहा था वो लेते चला जाए। अब इसमें एक छोटी सी दिक्कत होगी, ये आपको आगे एरर आएगा, एरर आने के पीछे है ब्लैंक। हमने यहां पे ब्लैंक दिया था, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी टेक्स्ट के ऊपर किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं हो सकता, राइट। इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आया, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें जस्ट इस फॉर्मूले को एक इफ एरर के फॉर्मूले में रखना हो, इफ एरर, और यहां पे इसको ड्रैग कर दिया आगे की तरफ, ठीक है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, अब एक और प्रॉब्लम आ गई कि मुझे इस पे डेज भी चाहिए। अब देखिए यहां पे अगर जनवरी सेलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जनवरी तक का ही रिपोर्ट आएगा, 31 आया। अगर मैंने यहां पे अप्रैल सेलेक्ट किया तो अप्रैल में 30 दिन होते हैं,
देखिए 30 दिन तक ही आएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया क्योंकि ये चीज अभी कवर किया नहीं था, बट आप समझ सकते हैं कि हमने इफ का फॉर्म, ईओ मंथ का फॉर्मूला लगाया एंड ऑफ मंथ निकालने के लिए, एंड हमने इफ का फॉर्मूला लगाया कि अगर ईओ मंथ से बड़ा है तो ब्लैंक करने के लिए या फिर कैलकुलेट करने के लिए, और ये सारा फॉर्मूला अगर एरर दे तो उसके जगह ब्लैंक देने के लिए हमने इफ एरर का इस्तेमाल। सिंपल सा। अब मैं टेक्स्ट फॉर्मूला, यहाँ पे संडे मंडे चाहिए, इक्वल मैंने लगाया फॉर्मूला टेक्स्ट, इसको सिलेक्ट किया और इसमें दिया 3 बार DD ताकि संडे मंडे ट्यूजडे आ जाए, और इसकी डिस्कशन हम कस्टम फॉर्मेटिंग में कर चुके हैं, राइट। अब इसको आगे हम बात करते हैं, इसको आगे हम ड्रैग करते हैं जहां तक फॉर्मूला है। अब ये बहुत बड़ा हो गया ना, अब यहाँ पे मंथ है ही, ईयर है ही, यहाँ पे डे है, तो यहाँ पे ये पूरा डेट क्या जरूरत। यहाँ पे 1 2 3 4 5 भी रख सकते हैं। इस पूरे को सिलेक्ट किया और चले गए कस्टम फॉर्मेट के अंदर, और इस कस्टम फॉर्मेट में जस्ट मैं 2 बार DD कर दिया, और पूरे सीट को सिलेक्ट करके हम इसको डबल क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, जस्ट डबल क्लिक, और देखिए यहां पे ये पूरा इस तरह से फिट हो गया। अब इसको सिलेक्ट करके आप क्या कर लीजिए, इसको यहां से फॉर्म ये कर दीजिए, बॉर्डर लगा। अब उसमें मुझे क्या करना है कि जो जो सैटरडे संडे में कंपनी सैटरडे संडे ऑफ होती है, तो सैटरडे संडे के ऊपर इस तरह का हाईलाइट कर, सिंपल सा। कैसे करें, तो इसके लिए हम यूज करेंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग। कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर न्यू रूल्स के अंदर यूज फॉर्मूला पे जाएंगे। हम यहां पे 2 कंडीशन देना है कि मंडे जो है सैटरडे हो या संडे हो, दोनों में से कोई एक हो तो हाईलाइट कर। तो यहां हम कोई एक ही लॉजिकल ऑपरेशन दे सकते हैं, दो नहीं दे सकते हैं। अब 2 लॉजिकल ऑपरेशन देने के लिए हमें एंड या और लगाना होगा। यहां पे मेरी कंडीशन और की बन रही है क्योंकि कोई यहां पे या तो संडे होगा या सैटरडे होगा, दोनों तो होगा नहीं। तो यहां पे हमने ब्रैकेट को ओपन किया और यहां सेलेक्ट किया ऊपर में E7, E7 इज इक्वल टू सैटरडे, कॉमा अगेन E7 इक्वल टू संडे, और ये जो E के आगे हम डॉलर साइन लगा देंगे ताकि नहीं, 7 का आगे ताकि 7 8 ना हो, बट E के आगे नहीं लगाएंगे ताकि E जो है आगे EFGH जाता रहे। फॉर्मेट में गए, फिल में गए, यहां पे हमने अपनी कंडीशन फॉर्मेटिंग में कलर सेलेक्ट कर लिया, देन ओके। कुछ गड़बड़ है इसमें, हाँ यहाँ इन्वर्टर कॉमा क्लोज नहीं किया, देन ओके। अब फॉर्मेट पेंटर लिए और इससे हमने पूरे पेज को पेंट कर दिया, तो जो महीना सेलेक्ट करेंगे उस महीने के सैटरडे संडे के हिसाब से ये देखिए कलर चेंज कर रहा है। अब यहाँ एक चीज और हमने देखा कि ये जो आप देख पा रहे हैं ये फालतू के आ रहे हैं फॉर्मेटिंग, तो मैं चाहता हूं कि मेरी फॉर्मेटिंग उतना ही आए जितना मेरा मंथ है, इसके आगे जो फॉर्मेटिंग है ना आए। तो मैं क्या करूंगा कि जो ये फॉर्मेटिंग मैंने मैनुअल लगाई है, इस फॉर्मेटिंग में ले जाके मैं कर दूंगा नो बॉर्डर, और फिर किसी एक सेल को सिलेक्ट करूंगा, किसी एक सेल को सिलेक्ट करूंगा, और इसके ऊपर हम चले जाएंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला। यहां हम बोलेंगे सिंपल सा कि अगर ए नॉट इक्वल टू ब्लैंक, अब D8 का हम D अनफ्रीज कर देंगे, 8 रहने देंगे, तो फिर मैं बॉर्डर यहां पे पूरा राउंड बॉर्डर लगा दिए। हमने सिंपल बोला कि अगर D8 का ए यहाँ पे नॉट ब्लैंक है, मतलब कि E8 जो हमारा है डेट है, अगर ब्लैंक नहीं, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक ही है ना,
ब्लैंक नहीं है तो बॉर्डर लगा दो, ब्लैंक है तो बॉर्डर ना लगाओ। फिर फॉर्मेट पेंटर से पूरे एरिया में मैंने पेंट कर दिया। अच्छा इधर भी करना ना। अभी वापस मुझे इस पे DDMMD करना पड़ेगा। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि अगर जनवरी होगा तो जनवरी, अच्छा इसमें मैंने डीबी नहीं किया ना, इससे इन्फॉर्म भी 31 तक आएगा। अगर मैंने फाइव किया तो 29 तक, अगर मैंने मार्च किया, मैंने यहां पे अप्रैल किया, दिख रहा है, तो ऑटोमेटिकली अपना फॉर्मेट चेंज कर रहा है। अब इसमें और भी कुछ लगाना हो तो लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहां पे दे दिया कि लीव, लीव को हाईलाइट कर, तो इक्वल टू लीव है, तो लीव को मैं चाहता हूं कि कोई और कलर दे बॉर्डर में। मैंने बोला कि लीव पे मेरा ये वाला कलर आ जाए। अब जैसे यहां पे लीव टाइप होगा इस तरह कलर आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि मैं कुछ डेटा यहां एंट्री करता हूं, ठीक है, अब मुझे यहां करना है कि अगर मान लीजिए यहां मैं लीव दिया दिया, अगर लीव इसके डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 3 महीने मतलब 90 डेज मान लीजिए कि 90 डेज से कम हुआ तो ये रेड कलर में हाईलाइट क्या हो जाए, रेड कलर में हाईलाइट। यहां क्या करें तो यहां है, सबसे पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस, मैं यहां पे फॉर्मूला बना लेता हूं डिफरेंस कैसे निकाले। तो टुडे मतलब आज के दिन के लिए टुडे फॉर्मूला कि टुडे माइनस हमने ये डेट कर दी, ये आ जाएगा ये हमारा 126 दिन। अब इसको मैं ब्रैकेट में रखूंगा और यहां पे करूंगा इज ग्रेटर देन 90, रिजल्ट ट्रू आएगा। अब इसको मैं एंड में रखूंगा, किसमें, एंड में, क्योंकि मुझे एक और कंडीशन चाहिए कि जहां फॉर्मूला लग रहा है E9 इज इक्वल टू L, अगर L एंट्री हो और 90 डेज से लेस देन तो क्या हो जाए, रेड हो जाए। E9 का मैं E फ्रीज कर देता हूं, E9 फ्रीज नहीं होगा, E9 फिक्स रहेगा, ये D9 का मैं D फ्रीज करूंगा ताकि DEFG ना हो जाए। और इसको कॉपी किया, अब एंटर मारने पे यहाँ पे आएगा सर्कुलर रेफरेंस आएगा E909 पे आएगा। यहाँ सर्कुलर रेफरेंस आएगा, यहां से इसको कट कर लिया, यहां आते हैं न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला, यहां पे हम फॉर्मूला देते हैं, बैकग्राउंड को क्लोज करते हैं एंड फॉर्मेट में मेरा एक बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए, देन ओपनिंग। एक मिनट कुछ गड़बड़ है,
ओ यहाँ मैंने बाय क्लिक लिया। अब फॉर्मेट प्रिंटर से हम बाकी एरिया पे इसको फॉर्मेट कर देते हैं। अब मान लीजिए कि यहां मैंने एल दिया तो रेड सिंपल रेड कलर, या यहां दिया तो सिंपल रेड कलर, ठीक है। अब यहां पे ये हुआ तो यहां मैंने अगर डेट चेंज कर, तो मान लीजिए इसको मैं करता हूं कि अप्रैल में ज्वाइन किया है 4 अप्रैल। अब मैं इसकी यहां पे रेड देता हूं तो क्या हो जाएगा, रेड आ गया क्या। अब यहां बट प्रॉब्लम ये है कि यहां पे हमने गलत लगाया, क्या गलत लगाया, हमने टुडे का फॉर्मूला गलत लगाया। हमें टुडे से क्या मतलब है, हमें तो जो ऊपर डेट है जिस दिन वो लीव ले रहा है उस दिन से देखना है ना। सो टुडे यहां पे गलत हमने लगाया, तो टुडे को हटाता हूं। आप लोगों भी नहीं बताया मुझे सर टुडे आप गलत लगा रहे हैं। यहां पे होगा डॉलर नहीं ई डॉलर एट देन ओके देन अप्लाई देन ओके और फिर इसको सेंड की, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों की, नहीं सर कि सर के ऊपर से जा रहा है। देखिए सीखना तो पड़ेगा क्योंकि ऑफिस में आपको इसी तरह का काम करना होगा ना। ऑफिस में आपको थोड़ी बॉस बोलेगा कि यार एक काम करो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दो, या एक काम करो यहाँ पे फलाना कर दो। तो आपको टूल्स के अकॉर्डिंग अपना परफॉर्मेंस निकाल के देना, ठीक है। टूल्स के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, परफॉर्मेंस निकाल के देना, ठीक है। क्लियर है ये। तो अब ये हो गया हमारा, मेरा लैपटॉप का प्रॉब्लम है, वो चालू नहीं हो रहा है, पावर का इशू है। मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया था तो इतना क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है। कोई बात है, रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड है ये का। हाँ। तो ए ए इसका मतलब समझे, ये जो हमने फॉर्मेट बनाया इसका पर्पस समझे। देखिए जब भी आप कोई काम करेंगे तो आपको जो है ये पता होना चाहिए कि आखिर हम जो ऑटोमेशन करेंगे, अब जैसे ऑटोमेशन की बात करें, मान लीजिए मुझे ऐसा फॉर्मेट चाहिए जहां मैं हर महीने की अटेंडेंस देख सकूं। सपोज दैट कि मेरे पास पूरे अटेंडेंस का डेटा है सालों भर का, मैं यहाँ पे अटेंडेंस देख सकूं हर महीने। तो कहने का मतलब यहाँ पे हर महीने का अटेंडेंस फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट में आएगा, तभी हम इसके ऊपर किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ताकि हर महीने का अटेंडेंस यहाँ विजुअल हो मेरे किसी डेटाबेस से या जो भी डेटाबेस हमारे उस। या फिर मान लीजिए ना आपके पास बायोमेट्रिक डेटा आता है किस डेट को किसने कार्ड को पंच किया, और बायोमेट्रिक डेटा जो है वो अलग फॉर्मेट में आ, उस पर अटेंडेंस फॉर्मेट भी इस तरह से शो करना है। तो ऐसे केसेस में हम इसी का इस्तेमाल करेंगे ना सर, ठीक है। लेकिन ये अटेंडेंस जो हो गया, ये अटेंडेंस हो गया सर्विस का, किसका हो गया सर्विस। अगर आप फैक्ट्री में हैं तो फैक्ट्री में चलता है लेबर एक्ट। लेबर एक्ट मतलब कि वहां पे आवर के हिसाब से होता है। तो मुझे इस तरह का फॉर्मेट बनाना है जो कि आवरली, मुझे आवरली दिखा है, ठीक है। तो चलिए उस फॉर्मेट को भी बनाते हैं। बाकी डेटा सेम कॉपी कर लिया मैंने आवरली के हिसाब से। अब यहां पे मैं रखूंगा डेट। अच्छा डेट का जो फीचर है वो मैं सेम ही ले आता हूं यहां पे। एक मिनट, एक हम इसी को कॉपी कर देते, इसी में एडिशन करता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद मैं आपको भी एक प्रोजेक्ट दूंगा। तो इसमें मुझे सब कुछ सेम है, इसमें मुझे क्या करना है,
एक रो नीचे ऐड कर, अब मुझे इसमें एक काम करना है कि हर किसी के बाद एक कॉलम ऐड करना है, तो एक नहीं दो कॉलम, क्या करना है दो कॉलम ऐड करना है, ठीक है। तो यहां पे मैंने एक लिए और दो लिया और इसको ड्रैग कर दिया और इसको कॉपी करके इसको एक बार पेस्ट किया, नहीं हर दो दो कॉलम ऐड करना है ना मुझे, तो यहां पे दो बार इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं सिलेक्ट करूंगा तो इसको पूरा को सिलेक्ट किया और नीचे 22 तक जो है डेटा को सिलेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, शॉर्ट करूंगा, यहां कस्टम शॉर्ट, शॉर्ट में ऑप्शन पे जाऊंगा और लूंगा लेफ्ट टू राइट, क्या लूंगा लेफ्ट टू राइट, और हम रो वन के अकॉर्डिंग, और रो नंबर सिक्स है ना, सिक्स के अकॉर्डिंग इसको शॉर्ट कर देंगे, तो सारे वन इकट्ठा होंगे, यहां वन है ये उठ के यहां चला आएगा, अगला वन उठ के चला आएगा। और शॉर्टिंग का नियम है कि जब भी डेटा जाता है तो सिंगल नहीं जाता है, पूरा रो या कॉलम लेके जाता है, तो वन जो है पूरा कॉलम लेके आएगा जो कि ब्लैंक है, ठीक है। लेकिन हम उससे पहले मुझे यहां पे जो डालने हैं वो डालने हैं स्टार्ट डेट, एंड सॉरी एंड इन आउट, यहां पे आउट डालते हैं और यहां एक रो ऐड करता हूं, यहां पे इन डालता हूं, ठीक है। और ये हमारा इसी के नीचे इसको रखता हूं, यहां आउट हो जाएगा आउट, और फिर इसके बगल में आवर्स, अब चलते हैं, अब करते हैं शॉर्ट यहां से, और यहां पे कस्टम शॉर्ट, और यहां ऑप्शंस लेफ्ट टू राइट रो नंबर सिक्स एंड ओके, देखिए देखा ये आ गया इन आउट आवर। अब मुझे इस ऊपर वाला जो रो है इसको डिलीट करते हैं, अब मैनुअली ठीक करना पड़ेगा थोड़ा सा, इसको यहां हम कर देते हैं मर्ज, इसको भी कर देते हैं मर्ज, इसको एक को करना है मर्ज बाकी को ड्रैग कर देंगे, इसको करना है मर्ज और इसको भी करना है मर्ज, और मर्ज इस पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरे, ठीक है। अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर, इकतीस तक यहां आ गया, अब सही कर देता हूं, मुझे दोनों मिनट लगेंगे सही करने में। अब टेक्स्ट फॉर्मूला इस पे डला है, अब इसको भी मैं ड्रैग कर देता हूं, ठीक है। अब जो है पहले तो पूरे को सिलेक्ट करता हूं और डबल क्लिक करता हूं ताकि ऑटो फिट हो जाए, ठीक है, और इन पूरे को फिर सिलेक्ट करके मैं मैन्युअली जो है बॉर्डर अप्लाई करता हूं,
ठीक है, और फिर इसको सेलेक्ट, इसको सबको सेलेक्ट करके इसको बैकग्राउंड कलर कोई ग्रे कलर टाइप का दे देता हूं, ठीक है। अब इस पे लगा हुआ पूरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटा दे, ठीक है। ये आपका इन आउट आवर, इन आउट आवर, इन आउट आवर, इस तरह से होगा। इसकी साइज बढ़ा दे। अब इस पे ऑटोमेशन नहीं चलेगा, इस पे ऑटोमेशन के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल, हालांकि 31 तक तो आएगा। अगर मैं यहां से जैन को जगह पे, जैन के जगह पे, यहाँ पे फॉर्मूले नहीं है, यहाँ पे भी फॉर्मूले वगैरह डाल सकते, लेकिन मोस्टली यहाँ मैनुअली होता है, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा अगर ऑटोमेटेड फॉर्मेट करते हैं। अभी आपको चीजें समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब हम किसी फैक्ट्री एक्ट के तरह बनाते हैं उसी तरह, इसी तरह का बनाते हैं, ठीक है सर, समझे। अब मैं एक फाइल, अब आती है जैसे, जहां आपको पता है कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें आधा मैं करता हूं आधा आपको करना हो। अब इसमें एक फाइल मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेज रहा हूं ग्रुप में। अब आपको क्या करना है, आपको करना है इसमें कि हर कंपनी में जो अटेंडेंस का रूल है, कहां से कर रहे हैं, अच्छा डी डेटा में चला गई, हर कंपनी का रूल्स अलग अलग होता है ना सर। मान लीजिए किसी कंपनी का अटेंडेंस सिस्टम जो है, अटेंडेंस सर्कल जो अटेंडेंस का साइकिल है वो अलग अलग, जैसे उन्हें कहीं पे होता है 20 से 19, किसी में होता है 24 से 25। उनकी सैलरी 1 तारीख को आती है, उनका साइकिल क्या होता है 19 से 20 होता है। जिनकी सैलरी 7 को आती है उनका 1 से 1 होता है। हाँ सती चौधरी जी कुछ बोल रहे हैं आप, तो बोले सतीश जी क्या बोल रहे हैं। सर ये आपने जो फिल्टर में ऑप्शन बताया था, एक बार फिल्टर लगाएंगे प्लीज, फिल्टर, इसमें फिल्टर का बताया मैंने, सॉर्टिंग बताया, सॉर्टिंग सॉर्टिंग सॉरी सॉर्टिंग जी, सॉर्टिंग में मैंने सॉर्टिंग सॉर्ट किया मैंने सर, आपने कुछ स्टार्टिंग में फिल्टर का ऑप्शन बताया, फिल्टर डेटा वैलिडेशन था ना, यहाँ डेटा मेनू बार के अंदर, यहाँ डेटा वैलिडेशन, पास में नोट पैड रखा कीजिए और लिख, जो पूछना है उसको लिख लिया कीजिए, भूलिएगा ना, मैंने फिल्टर तो बताया नहीं, मैंने शॉर्ट बताया। लेफ्ट टू राइट ऑप्शन के अंदर, लेफ्ट टू राइट नॉर्मली जो शॉर्टिंग हमका होता है तो लेफ्ट टू राइट होता है ना, टॉप टू बॉटम होता है, ऊपर से नीचे ही शॉर्ट करते हैं ना, कभी हमको लेफ्ट टू राइट शॉर्ट करना होता है तो लेफ्ट यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल हो गए, अब मान लीजिए कि अगर नेम दिया हुआ है इस तरह से, अब नेम मुझे अगर टॉप टू बॉटम डाला हुआ है तो शॉर्ट कर लेंगे नॉर्मली यहां से ए टू जेड, जेड टू ए, लेकिन अगर ए नेम लेफ्ट टू राइट है इस तरह से और फिर आपको अल्फाबेटिक शॉर्ट करना है, दैट केस में नॉर्मल शॉर्ट तो होगा नहीं, ये शॉर्ट तो होगा नहीं, तो कस्टम शॉर्ट में ऑप्शन पे जाके लेफ्ट टू राइट सेलेक्ट कर रहा हूं, यहां से रोल नंबर 5 एंड ओके, अब शॉर्ट हो। अगली क्लास में इसको डिटेल में समझाऊंगा, तो अभी आपको क्या करना है कि जो अटेंडेंस फॉर्मेट मैंने यहाँ पे मंथली 1 से 30 है ना, इसको आपको 20 से 19 बनाना है,
मेरा अटेंडेंस 20 से स्टार्ट हो और 19 पे खत्म, समझे? 20 पे स्टार्ट हो और 19 पे खत्म, सेम फॉर्मेट आपको बनाना है और बना के भेजना।